ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 4 मार्च 1968। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बात समझाए रहे हैं, पढ़ाए रहे हैं। दुनिया तो नहीं जानती है कि सुप्रीम फादर, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, वो कोई पढ़ाने आते हैं। कह देते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया। अब कृष्ण तो देवता है, परमपिता परमात्मा तो नहीं है। बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाने आता हूं, कृष्ण नहीं सिखाता है, मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं। तुम बिंदु बिंदु आत्माएं और मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम सोल। आत्मा राजयोग से ये देवी देवता बनती है। राजयोग के सिवाय और कोई तरीका नहीं है जो देवी देवता बन सके। राजाई पद पाते हो और पावन निर्विकारी जरूर बनना पड़ता है। कल पहले भी तुम ये देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी बने थे और शरीर भी तुम्हारा ऐसा गोरा था, फिर शरीर भी बदलता गया। तुम देवता है सो फिर आकर के असुर बन गए। असुरों का चेहरा कैसा दिखाते हैं? आत्मा जो देवता थी वो ही असुर बनी है। सतो प्रधान आत्मा सुतमो प्रधान बनी है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान, और आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी सतो प्रधान बनता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है, जैसा बीज वैसा वृक्ष बनता है। आत्मा में खाद पड़ने से सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। सतो प्रधान से सतो में कैसे आती है? त्रेता युग सत्व गुण वाला है, सामान्य सत्य गुण है, सत्व गुण है, ढेर की ढेर है। 14 कला और उससे नीचे वाली आत्माएं ऊपर से उतरती हैं और उनके संग का रंग सतयुग की 2 करोड़ आत्माओं को लगता है। कहां ऊपर से उतरने वाले 8 करोड़ और कहां सतयुग की 2 करोड़ आत्माएं? तो खाद पड़ जाती है। द्वापर में तांबे की खाद पड़ती, जैसे कि क्रोधी और कामी आत्माएं ताम्र रंग वाली ढेर की ढेर उतरती है धर्म पिताओं के साथ और उनके संग का रंग लग जाता है। कलयुग में तो और ही तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर शरीर भी ऐसे मिलते हैं। ये देवताएं तो सतो प्रधान थे,
सतो प्रधान समय था, सतो प्रधान समय में सतो प्रधान थे, अभी तो समय भी तमो प्रधान है। तो देखो इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में और शरीर में भी खाद पड़ गई है। देवी देवताएं जो सतो प्रधान थे वो नीचे उतरते आए, अभी ये देवी देवताएं तो है नहीं, सिर्फ प्रतिमा बना करके भक्ति करते रहते हैं। इन तमो प्रधान मनुष्यों की तो भक्ति नहीं करनी होती है, पहले पहले भक्ति करते हैं परमात्मा की, जिसने देवता बनाया किस रूप में भक्ति करते हैं, हाँ? लिंग रूप में नहीं करते। उस लिंग में भी जो हीरा चमक रहा था, स्टार था, उस स्टार को याद करते थे। जब तुम भक्त बनते हो तब ही पूजा करते हो। भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है तो आप भी विचारी पूजा करते हो, एक की पूजा करते हो। भक्ति जब तमो प्रधान होती है तो अनेकों की पूजा करने लग पड़ते। अभी तुम पूज्य बन रहे हो, तुम पुजारी थे, अंधश्रद्धा से पूजा करते थे। ये पता नहीं था लक्ष्मी नारायण जो पास हो गए हैं वो इस समय भिन्न भिन्न नाम रूप से असुर बन गए हैं। अभी किसकी पूजा करते हैं? शरीर की पूजा करते हैं, आत्मा तो है नहीं। वो आत्मा तो पुनर्जन्म लेते लेते उतरती आई है, शरीर जो सतो प्रधान था उसकी मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। तो पूजा किसकी करते हैं? पांच तमो प्रधान तत्वों की जैसे पूजा करते हैं, परंतु इन जड़ चित्रों में आत्मा थोड़ी है। सत्युग में तो ये चलते फिरते राज्य करते थे, अभी ये कोई राज्य करते हैं क्या? अभी तमो प्रधान बन गए हैं। आत्मा कहती है हम सो देवता थे, फिर हम क्षत्रिय बने, वैश्य बने, फिर शूद्र बने। सत्युग में हम सो देवता आठ जन्म थे लेते थे, फिर नीचे उतरते आए। हम सो का अर्थ भी बाप ने समझाया कि पहले पहले हम ब्राह्मण थे, फिर तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले पहले हम देवता थे। पहले है चोटी ब्राह्मणों की, और ब्राह्मण होते हैं इस संगम युग पर। इस संगम को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, और युगों के बीच में भी संगम होता है, परंतु उन युगों को पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहते, क्योंकि उन युगों में पुरुषों में उत्तम से उत्तम पुरुषार्थी आत्माएं प्रत्यक्ष नहीं होती। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, वो लोग तो कह देते हैं आत्मा सु परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अभी बाप ने समझाया है, तुम जानते हो हम ब्राह्मण ऊंचे से ऊंचे हैं, तुम्हारा ये हीरे जैसा जन्म गाया जाता है। ब्राह्मण ऊंचे से ऊंचे हैं क्योंकि उनमें ज्ञान है, और तुम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं।
है। शूद्रों को पढ़ाकर ब्राह्मण नहीं बनाते है? शूद्रों को पढ़ा के ब्राह्मण नहीं बनाते, बनाते बाप के द्वारा शूद्रों को पढ़ाकर ब्राह्मण बनाते। ब्रह्मा द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, फिर ब्राह्मणों को बाप आकर के शिक्षा देते हैं, क्या बनाने के लिए? ब्राह्मण से देवता बनाने के लिए। तो ब्राह्मणों को ही शिव बाबा पढ़ाते हैं, शिव बाबा शूद्रों को नहीं पढ़ाते हैं। तो कौन पढ़ाते हैं शूद्रों को? ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर ब्राह्मणों को बैठ शिक्षा देते हैं। तुम जब देवता बनेंगे तो तुमको निराकार शिव बाबा थोड़े ही पढ़ावेंगे, कौन पढ़ावेंगे? देवताओं को पढ़ाने वाले देवता ही होंगे, उस समय तो देवता ही पढ़ावेंगे। और इस समय तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, तुम्हारी महिमा न्यारी है, बाकी सब है शूद्र। क्या जिनकी बुद्धि में पुरुषोत्तम संगम युग का ज्ञान नहीं है, ऐसे युग का ज्ञान नहीं है जिस युग में पुरुषों में उत्तम से उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं। उनको कहेंगे शूद्र, उन शूद्रों को शूद्र ही पढ़ाते हैं। शूद्र वर्ण में सब शूद्र ही शूद्र, और क्षत्रिय वर्ण में सब क्षत्रिय ही क्षत्रिय, वैश्य वर्ण में सब वैश्य ही वैश्य होंगे। अभी तुम तो ब्राह्मण बने हो, तुम ब्राह्मणों को बाप पढ़ाते हो, ऐसे नहीं ब्राह्मणों को ब्राह्मण पढ़ाते हैं। तुम ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला एक बाप, बाद में फिर ब्राह्मण पढ़ाते हैं ब्राह्मणों को। इस समय तुम कौली कौड़ी तुल्य बन पड़े हो, और एड़ी से लेकर चोटी तक कौड़ी तुल्य हो। पैरों को शूद्र कहा जाता है, पैर तो धरती पर रहते हैं, चोटी ब्राह्मणों की दिखाई जाती है, चोटी ऊंची रहती है। फिर नंबर वार देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो अभी यह ज्ञान तुमको मिलता है, सत्युग में तो नहीं होगा। विराट रूप कैसे है तो तुम अभी जानते हो, बाप पढ़ाते ही हैं ब्राह्मणों को, न कि शूद्रों को। जो बाप को जानते हैं, जो बाप का निश्चय करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। कौन है? शिव बाबा सिर्फ उनको पढ़ाते हैं जो बाप का निश्चय करते हैं कि ये हमारा बाप है, और बाप को जानते हैं उनको पढ़ाते हैं। जो निश्चय ही नहीं करते और जो बाप को जानते ही नहीं, उनको नहीं पढ़ाते।
ब्राह्मण बनेंगे तब तो पढ़ाई बुद्धि में बैठेगी। शूद्रों की बुद्धि में पढ़ाई बैठेगी क्या? शूद्र किसको कहा जाता है? अपवित्र को शूद्र कहा जाता है और पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है। तो शूद्रों को ये पढ़ाई बुद्धि में बैठेगी नहीं, क्योंकि पहले पहले बताया जाता है तुम किसके बच्चे हो, लौकिक बाप के बच्चे हो या पारलौकिक बाप के बच्चे हो। पारलौकिक बाप के बच्चे हो तो पारलौकिक बाप कितने बच्चों का बाप है? इतना बड़ा ज्ञान सभी की बुद्धि में तो बैठ नहीं सकता, न याद ही ठहर सकती है। ज्ञान भी यथा है और याद में नंबर वार है। जब से बाप आए हैं ज्ञान सुनाते ही रहते हैं। ये है मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान। इस समय सब है शूद्र मनुष्य, वैश्य वर्ण का कोई भी नहीं है, तमो प्रधान दुनिया हो गई है ना। तो ये इतना सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। हम सो देवता थे, फिर हम सो ब्राह्मण, अभी फिर देवता बनते हैं। प्योरिटी फर्स्ट है, सत्यगुरु में प्योरिटी थी ना। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। क्या थोड़ा भी अगर विकृति है तो देवता नहीं कहेंगे। अगर चौथाई कला कम है, प्योरिटी में 16 कला संपूर्ण ना हो करके चौथाई कला कम है तो उनको देवता कहेंगे? पक्का देवता नहीं कहेंगे। बाबा ने बहुत लिखाया है कि अपन से पूछो कि सतयुगी शिवालय के रहने वाले हो या कलयुगी वैश्यालय के रहने वाले हो। 4368 की वाणी का दूसरा पेज। वैश्यालय तो होता ही है कलयुग में, तो जरूर कहना पड़े हम विशेष वैश्यालय के हैं। विशेष और वाइसलेस, विकारी और निर्विकारी। सीढ़ी जो बनाते हैं उनमें भी दिखाना चाहिए ये देवताएं हैं, इन देवताओं को शूद्र नमन करते हैं। सतयुग में नमन नहीं करेंगे, वहां देवताएं एक दो को बैठ नमन करें ये कायदा ही नहीं। वहां खुश खैरियत पूछने की रस्म ही कुछ और होगी। गुड मॉर्निंग और नमस्ते आदि नहीं होगी। क्यों? ऐसा दिया वन नहीं होता है। वहाँ तो मौसम ही सदा बहार होता है, वहाँ सूरज कभी अस्त होता ही नहीं। वहाँ की रस्म रिवाज ही और होगी। इस समय तुम वो रस्म नहीं देख सकते हो, उसका नाम ही है शिवालय, हेविन। मच्छर आदि काटने वाले वहां होते ही नहीं है।
ये सब बाद में बढ़ते जाते हैं। दुख देने वाला कोई भी प्राणी जीव जंतु आदि होता ही नहीं। कालरा प्लेग आदि ये बीमारियां वहां थोड़ी ही होती हैं। अभी देखो कितनी बीमारियां हो गई। अभी तो ये है ही कलयुग की दुनिया। इस कलयुग में कितना किचड़ा आकर के इकट्ठा हुआ है। जितना दृष्टि तमो प्रधान होती जाती है गिरते ही जाते हैं। दृष्टि तमो प्रधान होती है तो उतना ही दुखदायक वस्तु बनती जाती है। सत्युग में ये होते नहीं है तमो प्रधान जी बड़े। उसका तो नाम ही है सुखधाम। सुखधाम में जो भी आत्माएं होंगी सुख देने वाली होंगी या दुख देने वाली होंगी। ये तो है ही दुखधाम। इसलिए बाप को आना पड़ता है। दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए तुम जानते हो बाबा हमारे दुख हर करके सुख देते हैं। परंतु उसके लिए श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाबा ने कल रात को भी समझाया था। बंबई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। अभी वो हाल शादियों के लिए देते रहते हैं तो उनके ट्रस्टियों को समझाना बहुत अच्छा है। भगवान वाच बलकृष्ण के लिए समझे। भगवान वाच काम महाशत्रु है। काम पर जीत पावेंगे वो जगत जीत बनेंगे। जगत के मालिक बनेंगे। वहां विकार होता ही नहीं है। उनको कहा जाता है शिवालय स्वर्ग। तो बड़े ही भवके से समझाना चाहिए कि भगवान की ये महावाक्य है। काम महाशत्रु है और तुम लोग फिर ऐसे स्थान पर शादी कराते रहते हो। इससे काम महाशत्रु बलवान बनेगा कि धराशायी होगा। अच्छा समझाने वाला हो जो बैठ समझा दे। बाबा ने बहुत अच्छा लिखा था। तुम कहाँ के रहने वाले हो। सत्युग के हो या कलयुग को हो। सत्युग देवता हो या कलयुग की पतित हो। भ्रष्टाचारी हो या शिष्टाचारी हो। ऐसे ऐसे बहुत प्रश्न लिख सकते हैं। छपा करके फिर एरोप्लेन से गिराओ तो हर एक अपने अपने से पूछे हम हैं कौन और कहां के रहने वाले हैं। बुद्ध बाबा ने समझाया। लिख सकते हैं भगवान वाच का हम महाशत्रु है। उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। और यहां फिर मंदिरों में शादियां कराते रहते हैं। आगे घर में शादी होती थी। अभी शादियों के लिए भी मंदिर बन गए। और शादी पर गुरु को भी जरूर बुलाते हैं। आजकल तो सगाई भी गुरु लोग करते हैं। सगाई कराने के लिए गुरु को बुलाते हैं। उन गुरुओं को भी ये भूल गया है कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। शंकराचार्य का फोटो तो मैं एक्यूरेट सीढ़ी में दे सकते हो या कार्टून मिसल भी दे सकते हो।
देखो शिवलिंग जी की पूजा कर रहे हैं और सरस्वती जगदम्बा आदि के भी चित्र रखते हैं। उनका चित्र बनाओ और लिखो व्यभिचारी पुजारी। ऊपर में लिखो पूज्य, सत्युग में जब पूज्य है तो पुजारी होते नहीं है और कलयुग में सब पुजारी ही पुजारी, तो इन पुजारियों को पूज्य कैसे कह सकते हैं? सत्युग में पुजारी होते नहीं है, गायन भी है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तुम पहले पहले पूज्य थे फिर गिरते गिरते पुजारी बने हो, अभी फिर पूज्य बनना है। भगवान आकर के पुजारी को पूज्य बनाते हैं, पॉइंट तो बहुत निकलती रहती है। यहाँ मेजॉरिटी है असुरों की और तुम्हारी है माइनॉरिटी, तुम बहुत थोड़े हो। गाया हुआ है भीष्म पितामह आदि को कुमारियों ने बाण मारे, तब वो शरण में आए हैं, नहीं तो मरते ही नहीं। तुम्हारी अभी माइनॉरिटी है, फिर बाद में तुम्हारी मेजॉरिटी होगी, लाखों को पैगाम मिलेगा। प्रजा तो बहुत बननी है, आवेंगे कुछ न कुछ समझेंगे, कोई फिर चक्कर लगा करके भी जावेंगे, वो भी हमारी प्रजा बनती है, बहुत ढेर के ढेर प्रजा बनती है। कोई तो फिर अच्छी रीति धारण करके टीचर बन करके फिर औरों को भी समझा देंगे, समझाने वाले नंबर वार तो होते ही हैं और समझानी भी बहुत सहज है। बोलो, दो बाप हैं, एक हद का बाप है, वो जन्म जन्मांतर सबका एक ही बाप होते हैं। और एक है बेहद का बाप, जो मनुष्य मात्र का बाप, हर आत्मा का बाप। अभी बेहद का बाप कहते हैं पावन बनने के लिए, अपन को आत्मा समझो फिर मुझे याद करो। थोड़ा भी अगर याद किया तो प्रजा में आ जाएंगे और जास्ती याद किया तो प्रजा में साहूकार बन जाएंगे। थोड़ा भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बना तो आवेंगे जरूर। ये राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में तो सब प्रकार के चाहिए, जो पूरा नहीं पढ़ते हैं उनकी यहाँ भी वैल्यू नहीं होती है, तो वहां भी वैल्यू नहीं रहेगी, प्रजा वर्ग में चले जाएंगे। प्रजा भी होती है ना, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास प्रजा। अभी पुरुषार्थ का टाइम है, पिछाड़ी में योग आदि के लिए समय नहीं मिलेगा। क्यों? क्या बात हो जाएगी पिछाड़ी में जो योग के लिए समय नहीं मिलेगा? अशांति हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, एक स्थान पर ठहर नहीं सकेंगे।
ठहरने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, मिलने जुलने का ठिकाना नहीं। तो योग के लिए समय ही नहीं मिलेगा। फिर लज्जा आती रहेगी, थोड़े समय में इतने सब पाप थोड़े ही कट जाएंगे। शुरू में झुंड के झुंड आ गए, और एकदम सरेंडर हो गए। चार मार्च 1968 की वाणी का तीसरा पेज। वो समय भी ऐसा ही था, कहां जाए नहीं सकते, भट्टी में बैठे रहे, भट्टी में कोई सब ईंटें पक करके थोड़े निकलती है, कोई कच्ची रह जाती है, कोई खंजर हो जाती है। ये भी भट्टी थी, कोई टूट पड़े, कोई खंगर निकले। अब शरण में आ गए तो बाप के पास तो रहने ही पड़े। सारा मदार नॉलेज पर है। दिन प्रतिदिन नॉलेज बहुत होती जाएगी। जरूर दो अक्षर कहना पड़ेगा। दो बाप हैं, बेहद का बाप आते हैं तब तो उनकी यादगार में शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती मनाने का आधार क्या है? जन्मदिन साकार का मनाया जाता है या निराकार का? साकार का जन्मदिन मनाया जाता है। वो निराकार बाप साकार में आकर के पहले गुप्त पार्ट बजाते हैं, क्योंकि साधारण तन में आते हैं, बाद में जब प्रत्यक्ष होते हैं तो यादगार बनती है शिव जयंती। जरूर दो अक्षर कहना पड़ेगा। दो बाप हैं, स्वर्ग का रचयिता बाप है तो बाप जरूर स्वर्ग की बात सही देगा। जरूर मन ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आवे और दुनिया नरक ही बनती रहे। तो बाप की इतनी महिमा कैसे होती है? हर धर्म में गॉड फादर को मानते हैं और हर धर्म में पैराडाइज को, जन्नत को मानते हैं। तो बाप ने आकर के जन्नत बनाया ना, वो एक ही है जो रचयिता है। बाकी कृष्ण आदि सब रचना है। शिव बाबा ने ही राजयोग सिखाया होगा। तब तो देवता बने होंगे ना, और गाया भी जाता है ऊंचे से ऊंचे भगवान, फिर ऊंचे से ऊंची ये लक्ष्मी नारायण, और ये लक्ष्मी नारायण ऊंचे से ऊंचे कैसे बने तो जरूर तुम जानते हो। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म में बाप ने राजयोग सिखाया है।
बहुत जन्म कितने 84 जन्म 84 जन्मों का अंत कब हुआ है 1936 में 36 में 60 साल की वानप्रस्थ अवस्था तो बहुत जन्मों का अंत और उसके भी अंत में कब हुआ 60 साल और 40 साल ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु गाई जाती है तो बहुत जन्मों के भी अंत में बाप राजयोग आकर के सिखाते हैं और बहुत जन्म विदेशियों के होते हैं या भारतवासियों के होते हैं और धर्मों के धर्म पिताएं ही कम जन्म लेते हैं तो उनके फॉलोअर्स के बहुत जन्म कैसे होंगे उन भारतवासियों में भी जो पहले पहले सृष्टि पर आए होंगे और पहले पहले तो यह लक्ष्मी नारायण ही आवेंगे यह माने किसकी तरफ इशारा नरसिंह नारायण बनने वाले इनको ऐसा जरूर कोई ने तो बनाया होगा सत्युग में नंबर वार 8 नारायण होते हैं 8 नारायण की डायनेस्टी चलती है तो जो पहला पहला होगा उसको नरसे नारायण किसने बनाया जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बने होंगे और उत्तम से उत्तम पुरुष है ही यह है क्या प्रूफ है इसका ये लक्ष्मी नारायण उत्तम से उत्तम है इनके अलावा और कोई उत्तम से उत्तम नहीं होता अरे ऐसे तो बहुत है जो नरसिंह नारायण जैसे बन जाते हैं इसी जन्म में इनकी ग्लानी नहीं होती 33 करोड़ देवताओं का गायन है सबकी ग्लानी है परंतु इन नरसिंह नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानी नहीं होती ये एक ही है जिनकी सत्यनारायण की कथा गाई जाती है और कोई की कथा नहीं गाई जाती सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती एक सच्चा और बाकी सब झूठे नंबर वार ऐसा बेहद का सत्य बाप आकर के बेहद की सत्य खंड की दुनिया स्थापन करते हैं तो उत्तम से उत्तम पुरुष ये हैं फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा आज भी ये नियम लागू होता है आज जैसे कंट्रोलर ऐसी कंट्रोल्ड होने वाली प्रजा प्रशासक ही अगर भ्रष्टाचारी होंगे तो शासित होने वाली प्रजा कैसे बनेगी वो भी भ्रष्टाचारी बनेगी तो पहले जन्म की जो प्रजा होती है उस प्रजा की भी कोई विशेष ऐसी खसूसियत होती है जो और जन्मों की प्रजा में वो खसूसियत नहीं हो सकती अभी वह राजाई स्थापन हो रही है यहाँ यथा राजा
तथा प्रजा सब देवी देवताएं होंगे। और अभी ये मंदिरों में शादियों के लिए हाल देते रहते हैं। बोलो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तुम ये क्या करते हो? ये तो तुम कतलाम करने के लिए बनाए रहे हो। एक दो पर काम कटारी चलाना ये तो हिंसा है। हिंसक दुनिया बनेगी। जानवरों को हिंसक कहा जाता है। इससे तो अच्छा है कि हमको हाल दे दो, हम सभी को अहिंसक बनावेंगे। सत्युग में होते ही हैं डबल अहिंसक। स्थूल हिंसा भी नहीं करते हैं और काम कटारी भी की भी हिंसा नहीं करते। अभी सब डबल हिंसक हैं। परंतु अभी समझा दें किसको? एक को समझाओ तो दूसरा माथा खराब कर देगा। अभी किसको माने? बनाने वाले खुद मर जाते हैं तो फिर ट्रस्टियों को दे देते हैं। तो बाप से नए नए पॉइंट्स तो जरूर मिलते रहते हैं। भगवान वाच है, काम महाशत्रु है, और ये तो बड़ी भारी हिंसा है। ये हिंसा मंदिरों में जाकर क्यों करते हैं? अपने घर में जाकर करें। पर तुम हाल में ये हिंसक काम करने के लिए निमित्त क्यों बनते हो? बहुत बहुत पाप आत्मा बनेंगे। तुमने पाप आत्मा बनने और बनाने के लिए हाल बनाया है। समझेंगे ये कहते तो बरोबर ठीक है, हो सकता है कुछ मदद भी दे। बोलो, हम तो हिंसक को अहिंसक और मनुष्य को देवता बनाते हैं। हमारा अहम ऑब्जेक्ट ही ये है। क्या? मनुष्य को देवता बनाना है। तो वो भी मनुष्य जो देवसतो प्रधान देवताएं थे, वो ही अभी तब प्रधान बने। गायन भी है, सत्य का संग तारे, कुसंग का बोरे। रावण का संग डुबो देता है ना, वो समझते रावण तो परंपरा से चला आया था। तुम समझाते हो कि राम राज्य में रावण कहां से आया? राम राज्य की तो कितनी महिमा करते हो, एकदम जैसे पत्थर बुद्धि है। बंदर बुद्धि कहो, जानवर कहो, कांटा कहो, है ये कांटों का जंगल। अभी बात समझा रहे हैं तुम स्वर्ग के मालिक कैसे बनेंगे? अभी हमारी इसे खींची दुनिया में दिल नहीं लगती है। तुमको बिजी ही इस धंधे में रहना है। इनको जिनकी इसे खींची दुनिया में दिल नहीं लगती है, इस धंधे में बिजी होकर मनुष्य को देवता बनाना। बल शरीर निर्वाहार्थ मेहनत भी करो। हमारा तो काम ही भारतवासियों से है।
और ये 84 जन्मों का ज्ञान भी भारतवासियों के लिए है। जो दूसरे धर्म वाले होंगे वो 84 के चक्कर में आवेंगे ही नहीं। वो 84 जन्म लेते ही नहीं। तो तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, साथ में ये पूछ सकते हो तुमको कितने बाप हैं। एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही पारलौकिक बाप है, और वो पारलौकिक बाप एवर पावन है। एवर पावन बाप ही पावन दुनिया बनाते हैं। अभी तुमको बाप से बेहद विश्व का मालिक बनना है, तो पुरुषार्थ करो। सत्यगुरु में तो पतित होते ही नहीं हो, वो पावन दुनिया है। अभी तुम पतित दुनिया में हो, पतित से पावन बनाने के लिए अभी बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप का परिचय मिला तो जरूर लायक बन जाएंगे। बाकी तो जितना याद की यात्रा उतना ऊंच पद। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, वहां वजीर होता नहीं है, क्योंकि वहां खुद ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं। वो तो द्वापर युग से जब पापात्मा बन जाते हैं तो वजीर गुरु आदि रखना पड़ता है। वहां स्वर्ग में तो वजीर अथवा गुरु की दरकार ही नहीं। अभी तुम बाप से सारी ताकत ले लेते हो, सारे विश्व पर राज्य करते हो, कोई छीन न सके। तुमको कहा जाता है 21 जन्मों के लिए अटल अखंड राज्य। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र है कि कैसे सीढ़ी उतरनी होती है तुम जानते हो। बाप कहते हैं तुम जिन्न मिसल हो, सेकंड में ऊंचे चढ़ते हो, फिर सेकंड में नीचे उतरते हो। तुमको ये उतरने और चढ़ने का पार्ट मिला हुआ है। तुम ही 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनते हो। चार तीन अक्षर की वाणी का चौथा पेज, फिर कला कम होते होते लीक बच जाती है। इस समय तुम कहेंगे नो कला, पुरानी दुनिया में तो जानवर कांटे हैं इसलिए बर्थनाट्य पैनी कहा जाता है। भारत पहले सोने की चिड़िया थी, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी सोने का महल तो कोई बना ही नहीं सकता, इतना सोना है ही कहां। कहते हैं सोने की द्वारिका, सोने की लंका थी। अब सतयुग में न तो लंका होती है न द्वारिका होती है। ये तो नाम रख दिए हैं। समुद्र के किनारे सतयुग में गांव होते नहीं हैं।
सिर्फ मथुरा, वृंदावन, गंगा, जमुना ये यहाँ ही गांव होंगे, वहां हैदराबाद भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्या अर्थ हुआ? हैदराबाद, वहां नई दुनिया में कोई तरह का डर होगा ही नहीं, न सिंध हैदराबाद होगा, न दक्षिण हैदराबाद होगा। और बंबई तो होगी ही नहीं, बंबई शब्द काहे से बना? बम, माया की नगरी है ना, तो माया का नगरी का विनाश होता है। ये दुनिया भी क्या है? माया नगरी है, इसका विनाश भी होगा तो काहे से होगा? बम से विनाश हो जाता है। बाप कहते हैं कल तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम गुलाम बन पड़े हो। जो मालिक थे वो ही फिर ब्राह्मण बनेंगे। बाप तो बच्चों को साक्षी होकर के देखते रहते हैं, तुम भी देखते हो कि कौन राजा रानी, कौन दास दासियां आदि बनेंगे, ये सब समझ जावेंगे। बुद्धि भी कहती है पति से पावन नहीं बनेंगे तो जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। कैसा? दास दासी चंडाल आदि बनेगा। इस समय तो सब पतित हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। विष और अमृत गाया जाता है ना, तुमको तो ज्ञान अमृत मिलता है और ज्ञान सागर एक ही बात है, बाकी तो है शास्त्रों में भक्ति। और भक्ति के गुरु ढेर के ढेर हैं, और ज्ञान का गुरु एक ही बाप है जो तुमको सच्ची जानकारी देता है। यहाँ तो सारी दुनिया में भक्ति ही भक्ति है, तो भक्त भक्ति ही सिखावेंगे। भक्ति से अंधियारा होता है तो ठोकरें खाते रहते हैं। देहद का बाप तो समर्थ है, वो गुरु लोग कोई समर्थ थोड़े ही है। तो बात में नरक को स्वर्ग बनाने में वो कोई समर्थ नहीं है, पतित को पावन बनाने में समर्थ नहीं है, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने में समर्थ नहीं है। बाप पूछते हैं हमने तुमको विश्व की बात चाही दी, पवित्र बनाया, फिर तुमको अपवित्र किसने बनाया? एक बाप ने पवित्र बनाया, फिर अनेक गुरुओं ने अपवित्र बनाया। ये है ही रावण राज्य। रावण को अनेक सिर देते हैं ना, राम रावण युद्ध का खेल दिखाते हैं। राम को एक सिर देते हैं और रावण को अनेक सिर देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। यहाँ सब में विकार है, क्योंकि सब विकृति पैदा होती है।
भ्रष्ट इंद्रियों से जन्म होता है, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। देवताओं के द्वारा सृष्टि की पैदाइश कोई भ्रष्ट इंद्रियों से नहीं होती, उनको तो श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। तो बाबा समझाने की युक्ति तो बहुत बताते हैं। अभी देखेंगे कैसे मंदिरों में जाकर के समझाते हैं। देखें कोई पद्मा पद्म भाग्यशाली निकलता है जो मान ले, तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो, वहां विधवा आदि कोई बनती ही नहीं। विधवा नहीं बनती, फिर विदुर भी नहीं बनते होंगे, मतलब अरे साथ साथ मृत्यु होती है क्या है? आगे पीछे मृत्यु नहीं होती? अगर आगे पीछे मृत्यु हो तो विधवा और विदुर बन जाएगी। आगे पीछे मृत्यु नहीं होगी, साथ साथ मृत्यु होगी तो जन्म भी साथ साथ होगा। साथ साथ जन्म लेना, साथ साथ मृत्यु होना, और जन्म जन्मांतर साथ ही साथ रहना। अच्छी जिंदगी है खराब जिंदगी है? अच्छी जिंदगी, वहां अकाली मौत भी नहीं होती है, और यहाँ तो घड़ी घड़ी अकाली मौत होती रहती। सड़क चलते अभी पता ही नहीं कब मृत्यु किसकी हो जाए। आयु वहां पूरी होती है तब साक्षात्कार होता है। अभी मैं ये शरीर छोड़ नया शरीर लूंगा, और वहां साहब को 21 पूरी पूरी आयु मिलती है, 21 जन्म अर्थात 21 पीढ़ी। समय पूरा होता है तब ही शरीर छूटता है, अकाली मृत्यु होती नहीं। इसलिए वो है ही अमर लोग, और ये है मृत्यु लोग। ये लक्ष्मी नारायण अमर लोग के मालिक थे, अमर लोग के मालिक थे तो सॉल्वेंट थे। अभी मृत्यु लोक के मालिक बनते हैं तो पूरे इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, साथ से भीख मांगते रहते। ये भारतवासी ही अमर लोक के मालिक थे, अभी मृत्यु लोक के मालिक हैं। तुमको कोई भी कुछ कह नहीं सकेंगे, क्योंकि ये तो रियल बातें हैं ना। बाबा ने कहा कार्टून बनाओ, परंतु बच्चे पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। कार्टून में भी सीढ़ी बहुत बन सकती है, और सीढ़ी बड़ी बनानी चाहिए। कलकत्ते में बड़े बड़े चित्र बना रहे हैं ना। मनुष्य को समझाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रखी जाती हैं। डॉक्टरों को भी तुम समझा सकते हो, हम ऐसे ऐसे सर्जरी करते हैं जो 21 जन्म कब मनुष्य बीमार नहीं होंगे। तुम तो अभी दवाई करते हो फिर बीमार पड़ जाते हैं। सत्युग में आत्मा और शरीर दोनों ही सत्व प्रधान बन जाते हैं। अभी तो तमो प्रधान है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गीता पढ़ने वालों को ये ज्ञान बहुत सहज होगा। कौन सी गीता?
बेसिक नॉलेज में भी ऐसे ही था। जो भक्ति मार्ग की गीता पढ़ने के शौकीन थे आदि थे, उनको ये ज्ञान झट बुद्धि में बैठ गया बेसिक नॉलेज के बतौर। और अभी एडवांस नॉलेज में भी यही बात है। क्या जो वेद की गीता पढ़ने के शौकीन है, मुरली पढ़ने के शौकीन है, उनको ये एडवांस नॉलेज जल्दी बुद्धि में बैठती है। जो मुरली की बातों पर ध्यान नहीं देते, गुरुओं की बातें ज्यादा सुनते हैं, उनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं बैठती। मंदिरों में सर्विस बहुत होगी, जो शिव के पुजारी होंगे, लक्ष्मी नारायण के पुजारी होंगे, उनको ही ज्ञान दो, उनकी बुद्धि में बैठेगा। मंदिरों में सर्विस बहुत होगी, कौन से मंदिरों में सर्विस बहुत होगी? हाँ, बैच पर सर्विस कर सकते हैं। बेहद का बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। रोज रोज गुयु गुयु बातें सुनाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन ऊंचा ज्ञान मिलता जाएगा। ऐसे नहीं कि 1968 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो गुहिते गुहे नए से नए पॉइंट निकलना बंद हो जाएंगे। नहीं, गुहे ज्ञान सुनाने वाला कौन है? ये गुहे ज्ञान है, गुहे राजयोग है, सिखलाने वाला एक ही बाप है। कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं तो बाबा कहते हैं सेंटर्स का घेराव डालो। फिर गरीब भी आकर के सुनेंगे। नॉलेज है ही सोर्स ऑफ इनकम, परंतु बल मिलेगा योग से। योग नहीं है तो बल भी नहीं मिलता है, इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। जो चार्ट रखते होंगे उनका टेंशन जास्ती रहेगा। तुम खुला कह सकते हो हम भी पहले भक्ति करते थे, अभी हम समझ गए हैं भक्ति से दुर्गति होती आई है। 2500 वर्ष की हिस्ट्री मौजूद है, भक्ति करते करते दुर्गति को ही पाते जाते हैं। किसकी किसकी पूजा करते रहते हैं? आत्मा की पूजा करते हैं या पांच तत्वों की करते हैं? आत्मा तो चैतन्य है और पांच तत्व के जड़ चित्र मूर्तियां जड़ है या चैतन्य है? जड़ की पूजा करते करते जड़त्वमयी बुद्धि होती जाती है। पहले शिव की पूजा करते थे, वो फिर भी अच्छा था, जो लिंग में चार को याद करते थे। अभी तो तुम भूतों की पूजा करते करते भूत ही बन गए। पूजा आदि न करने से नाराज होते हैं तो उनको राजी करने के लिए घर में मूर्ति आदि रख दो। युक्ति से चलाते रहो। अंदर में तो तुमको निश्चय है ना कि हमको तो बाप मिला है। वहां मूर्ति के सामने बैठे भी तुम शिव बाबा को याद करो। क्या घर में बांधेली माताएं हैं, उनके ऊपर जोर दबाव डाला जाता है।
तो क्या करो, घर में मूर्ति रख दो, उनको दिखाने के लिए पूजा करते रहो, और अंदर में शिव बाबा को याद करते रहो, उनको राजी करते रहो, तो घर में खिचखिच नहीं होगी। युक्ति से काम चलाते रहो। अरे उनको खुश करने में कोई हर्जा थोड़े ही है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों के, रूहानी बाप दादा का याद कर, गुड मॉर्निंग।